थोड़ा सा नहीं, हम दबा रहे हैं, देखो ये देखिए दब रहा है। अरे बहुत बहुत रुक जाओ बाबा ने। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, और मैं हूं आपका होस्ट अजीत अग्रवाल। मेरी धर्म पत्नी के साथ मैं जा रहा हूं कहीं और उनको एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि कल जब मैं गया था गवर्नर हाउस फ्लावर एग्जीबिशन में, तो मैंने कुछ नोटिस किया था। वो क्या नोटिस किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो वो मैं अभी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं टोटली। तो इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूं और रीना को साथ में लिए जा रहा हूं। बाय द वे आपको बता दूं कि आर्यन जी के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई जम के चल रही है, और देखते हैं दादी जी क्या कर रही हैं, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। दादी क्या कर रही हो? अच्छा क्या देख रही हो? कपिल शर्मा। बहुत बढ़िया। अम्मा हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं, रीना को एक सरप्राइज देने जा रहे हैं हम, ठीक है? कल हमको वहाँ पे दिखा था तो आज हम इनको लेके जा रहे हैं, अभी एक घंटे में आते हैं, ठीक है? फिर साथ में खाना खाएंगे। चलिए मैडम। भैया ये है लखनऊ का दिल हजरतगंज। अब मैं रीना को सरप्राइज देने यहाँ पे ले आया हूँ, और आप लोग को भी देता हूँ कि क्या सरप्राइज है। आइए चलते हैं। मित्रों ये है वो सरप्राइज़। कल वो जब मैं गवर्नर हाउस गया था फ्लावर एग्जीबिशन में, तब मुझे भाई साहब नज़र आए, और भाई साहब की यूनिकनेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक पिज़्ज़ा हॉट डॉग बर्गर की शॉप है जो कि साइकिल पे है, साइकिल पे है। 30 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 30 साल पुरानी शॉप है और ये साइकिल पे है। कोई जानता नहीं था कि पिज़्ज़ा बर्गर हॉट डॉग होता क्या है। जब लोग जानते नहीं थे तब से सेल कर रहे हैं, 30 इयर्स से। अब आप देखिए ये बना रहे हैं, और इनकी रेसिपी में काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। तो काका आप यहाँ पे लखनऊ के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा आप राजस्थान के रहने वाले हैं। 91 से मैं यहाँ आया हूँ। 91 से? जी जी। अच्छा जी, हम जो है बेकरी का ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं खाने पीने की। अच्छा जी जी, और उसके अलावा ये फ्रेश आइटमें तैयार करते हैं, जैसे नाश्ते का हो गया या जी का हो गया। जी जी जी, फ्रूट केक है, पालम केक है, ड्राई फ्रूट केक है, ये सब चीज़ें जो है हम लेते रहते हैं। आते हैं लोग, ले जाते हैं, दिल्ली से बुक करा देते हैं, अच्छे से सारी लोग आते हैं, मिलते भी नहीं। लिखा हुआ है बहुत अखबारों में आया। हाँ हाँ, आपको इस स्टॉल की एक विशेषता बता दें कि अंकल जी के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी कवरिंग हो चुकी है। बेकरी ऑन साइकिल, बेल्जू साइकिल रेस्टोरेंट, अनेक अनेक नामों से लोगों ने छापा हुआ है। हजरतगंज में अगर आप लोग आते हैं तो जनपद जाते वक्त राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएंगे जी। और आप अमेरिका का फ्लेवर खाएंगे हमारे पास, फिरफ ना कोई रेस्टोरेंट में मिलेगा, ना आपको जेके बेकरी या कोई गुड बेकरी या कोई मिस्टर ब्राउन। लिखे रहे हैं जरूर अपना नाम, लेकिन आप का रुतबा नहीं ले सकते हैं, ना वो फ्लेवर दे सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, हमने डिप्लोमा किया है इस सबों का। अच्छा जी जी, लाइए जरा टेस्ट कराइए। रीना जरा टेस्ट करके बताओ आप, ये क्या क्या पड़ा है इसमें अंकल, थोड़ा बताएंगे आप? शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, सोयाबीन है, हरी बीन। अच्छा अच्छा। हाँ, मशरूम है, चीज है, पनीर है, इतना गरम और है मसाले ना, और बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत गरम भी है। बहुत अच्छा। कुछ डिफरेंट है क्या? बहुत सॉफ्ट है, और इसकी जो ऊपर रेसिपी है, जो भी ऊपर स्टफिंग है, बहुत ही यूनिक है।
इसमें सारा ग्रीन वेजिटेबल्स है और प्रीमियम क्वालिटी की सब्जियां हैं। अब मैं इसको तोड़ूंगा और खाऊंगा और खा के फिर आपको बताऊंगा कि इसका वाकई में टेस्ट डिफरेंट है या नॉर्मल है। वाकई में इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि जो हम बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं वो ब्रांडेड शॉप पे जो खाते हैं तो उनका एक फिक्स मेनू है, हर बार जाएंगे हमको वही टेस्ट मिलेगा और उनका काफ़ी ड्राई होता है। ये ड्राई नहीं है। दूसरी चीज़ कि इनकी जो स्टफिंग है उसमें जो भी इन्होंने मसाले डाले हैं उससे पिज़्ज़ा का नहीं वो कुछ और ही टेस्ट आ रहा है जो कि काफ़ी लाजवाब है, एकदम डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइएगा कभी। पिज़्ज़ा का टेस्ट वाकई में बहुत डिफरेंट था, हम लोगों को पसंद आया तो हम लोग ने ये हॉट डॉग का भी ऑर्डर दिया है। अब इन्हें टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है। डिफरेंट है। आलू की फीलिंग कैसी है? अच्छी है, मज़ा आ गया खाकर, अलग सा टेस्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, पिज़्ज़ा जो है वो 50 रुपीज़ का है और हॉट डॉग अंकल कितने का है? 30 रुपीज़ का है। बर्गर 20 रुपए का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पिज़्ज़ा सब बच्चे खाना चाहते हैं तो अंकल जी ने उस पिज़्ज़ा को वेजिटेबल पिज़्ज़ा में कन्वर्ट कर दिया एंड दैट टू सो टेस्टी। ये हम लोग अब आर्यन के लिए और दादी के लिए दो पिज़्ज़ा पैक करा रहे हैं। वाकई में बहुत टेस्टी था इसीलिए घर लेके जा रहे हैं। इट्स एन डिफरेंट टेस्ट। और हम लोग पिज़्ज़ा खाएं और आर्यन को ना खिलाएं तो ये हो भी नहीं पाएगा, तो बेचारा रह नहीं पाएगा, वरना इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो तो मुझे घर के अंदर भी नहीं आने देगा। सही बात है। ये देखिए चीज़ की स्टफिंग भी बहुत ढेर सारा चीज़ डाला जा रहा है। ये एक छोटी सी साइकिल पे ही अंकल जी ने अपना काका जी ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अपनी साइकिल पे इन्होंने एक छतरी भी लगा रखी है धूप से बचने के लिए। ये आगे बकेट है जिसमें उनका रॉ मटेरियल वगैरह रहता है और ये पीछे उनकी एक रैक है जिसमें उनके सारे मसाले और सॉसेस हैं। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर खा के अपना पैक करा के जा रहे थे, तब तक मैम आई, मैम ने भी पैक कराया। अच्छा लग रहा खाने में, बहुत यमी फ्लेवर है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है और मुझे बार बार खाने का मन करेगा। एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, इसलिए फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है। ये तो ऑडियंस को तो दिखाने, ऑडियंस बनाने, ये थोड़ा सा नहीं, हम दबा रहे, देखो देखिए दब रहा है। अरे बहुत बहुत रुक जाओ बाबा, नहीं एक 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 दिखाने को दिखाने को। देखिए अभी अभी आप लोगों को मैं दबा के दिखाता हूँ। अब देखिए ये है ना, अब देखिए ये देखिए ये देखिए, और इससे ज्यादा और दबा के दिखाऊं यार, और बहुत मजेदार है। पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और मैं अभी इतनी जल्दी थोड़ा सा रैपअप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा SST का पेपर है। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे देन मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।